अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको कार्डिनेट के दुपट्टे पे कटवर्क बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने ऑर्गेन्जा के दुपट्टे पे आपको कटवर्क करना सिखाया, आज मैं कार्डिनेट के स्टाफ पे भी आपको कटवर्क बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले दुपट्टे पे कटवर्क का ट्रेस बना लेंगे, फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सारे दुपट्टे पे मैंने कटवर्क का ट्रेस बना लिया है, आप किसी भी शेप में ये कटवर्क रेडी कर सकते हैं। जिस शेप के आपने कटवर्क रेडी करने हैं उस शेप का पहले आप दुपट्टे पे ट्रेस बना लेंगे, फिर आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये देखें, ये कॉर्नर हैं। पहले मैंने इन्हें गोल शेप में बनाया था लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने इनकी शेप चेंज की है। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने हल्का सा वी बनाया है, इसके ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। गोल शेप में भी बनाए जा सकते हैं लेकिन मैं नोक वाली शेप में बनाऊँगी। किसी भी हार्ड पेपर पे आप पहले इस तरह पैटर्न बना लेंगे और इस पैटर्न से आप दुपट्टे पे ट्रेस करेंगे, इससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिस शेप का आपको कटवर्क का डिज़ाइन बनाना है उसी शेप का आप हार्ड पेपर पे ये पहले पैटर्न बनाएंगे, फिर आप दुपट्टे पे ट्रेस बना लेंगे। ये एफ फुट है, ये मशीन के साथ ही मिलता है, इससे मैं कटवर्क बनाऊँगी। एक क्वेश्चन मुझसे ये भी किया जाता है, ये जो फुट है ये हम सिंपल सिलाई मशीन पे लगा सकते हैं? तो नहीं, ये आप ऑटोमेटिक मशीन पे लगा सकते हैं, सिंपल सिलाई मशीन पे आप इसे अटैच नहीं कर सकते। ये सिल्क थ्रेड है, ये मैं एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करूँगी। मैं मोस्टली जो बड़ी वाली कोन होती है वो यूज़ करती हूँ, ये जो छोटी वाली है इसका थ्रेड बार बार टूट जाता है। शेड का मसला हो रहा था इसलिए फिर मैंने ये छोटी वाली बाय कर ली है, लेकिन पहले मैंने इसे टेस्ट किया है, पहले मैंने इसे थोड़ा सा कटवर्क बनाया है ये देखने के लिए कि थ्रेड बार बार टूट तो नहीं रहा। अगर बार बार थ्रेड टूटे तो काम करने का मज़ा नहीं आता, ना ही नीट फिनिशिंग आती है। इस थ्रेड ने तंग नहीं किया, बहुत ईजिली कटवर्क बन गए थे, इसलिए मैं आज इसी से कटवर्क बनाऊँगी। फुट को लगा लेते हैं और मैं मशीन की सेटिंग भी आपको बता देती हूँ। ये 4 नंबर वाला जिगजैग स्टिच है, इससे हम कटवर्क रेडी करेंगे। मशीन से भी मैं आपको इसकी सेटिंग बताती हूँ। पहले हम स्टिच को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम इसकी सेटिंग करते हैं। इधर से हम स्टिच की सेटिंग कर लेंगे। ज़ीरो पॉइंट टू पे इधर से रखा है मैंने। और यहाँ से मैंने 3.5 पे रखा है। नीट कटवर्क रेडी करने के लिए आप नीचे पहले पेपर लगा लें, फिर कटवर्क रेडी करें। आप साथ साथ भी नीचे पेपर रख सकते हैं। पहले भी फुल दुपट्टे पे सिलाई लगा के पेपर सेट किया जा सकता है। मैं साथ साथ ही पेपर सेट करूंगी और साथ साथ ही कटवर्क रेडी करूंगी। आप देख सकते हैं कितने नीट कटवर्क रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। पहले जो मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा डिज़ाइन किया है उस पर मैंने सोल्डरिंग आयरन यूज़ की है। कार्डिनेट पे सोल्डरिंग आयरन अच्छे से यूज़ नहीं हो रही थी इसलिए पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद अगर सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत हुई तो मैं यूज़ करूँगी, अदरवाइज मैं सीजर से इसकी कटिंग करूँगी। इन कटवर्क से स्लीव्स, दामन और ट्राउज़र भी रेडी किया जा सकता है। ऑलरेडी मैं कर भी चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं ऊपर लगा दूँगी, आप जाके देख सकते हैं कटवर्क से मज़ीद ड्रेस पे किस तरह डिज़ाइनिंग की जा सकती है। रेशमी स्टाफ के साथ साथ मैं आपको कॉटन पे भी कटवर्क बनाना सिखा चुकी हूँ। अभी मैं आपको सीजर से नीट फिनिशिंग करके भी दिखाती हूँ।
कॉर्नर भी चेक करवाती हूँ और पूरा दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कटवर्क मैंने ट्रेस करके बनाए हैं। इस मशीन के साथ भी हम कटवर्क रेडी कर सकते हैं। जस्ट हम स्टिच को सिलेक्ट करेंगे और कटवर्क बन जाएंगे। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर लगा दूंगी। कटवर्क के साथ साथ एप्लक और भी इस मशीन से काफ़ी ज़्यादा मैं डिज़ाइनिंग कर चुकी हूँ। चैनल विजिट करके आप वो भी सारी देख सकते हैं। जस्ट मैंने कटिंग की है आपके सामने और आप देख सकते हैं कितनी नीट फिनिशिंग है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थी आज की डिज़ाइनिंग। इसी के साथ दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।